हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3, जो कि क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ है। इसमें हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं रोटेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें पढ़ने वाले हैं जो रिवोल्यूशन से होने वाला जो इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि पिछली वीडियो हम लोग पढ़े थे रोटेशन क्या होता है, डे नाइट होता है, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, उसे करंट में को इफेक्ट पड़ता है, टाइड्स हमारी हमारे अर्थ पर टाइड्स आते हैं, है ना। ठीक उसी तरह रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट होने वाला है, जहाँ तक रिवोल्यूशन में क्या होता है, अर्थ का अपने अलग अलग समय पर क्या होता है, अलग अलग पोजिशन होता है। यहाँ पर जून पर होता है सीजन सिचुएशन, जून पे यहाँ पर होता है, सितंबर में यहाँ पर होता है, दिसंबर में यहाँ होता है, मार्च में यहाँ होता है ना। इससे क्या क्या हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का मेन टॉपिक है इक्विनॉक्स एंड सोलस्टिक, है ना। तो आज हम बात करेंगे पहले इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स में होता है बराबर, है ना। देखिए, जब सन का लाइट सनलाइट जब इक्वेटर के पर बराबर मात्रा में नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पर जब बराबर मात्रा में लाइट पड़ता है, उसको जब सनलाइट रेस पड़ता है, उसको बोला जाता है इक्विनॉक्स का सिचुएशन, उसको बोला जाता है। जैसे इक्विनॉक्स का इसको अगर डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो इसको बोल सकते हैं, इक्विनॉक्स इज एन इवेंट इन विच ए प्लेनेट सब सब सोलर पॉइंट पासिस थ्रू इट्स इक्वेटर। द इक्विनॉक्स आर द ओनली टाइम वेन बोथ द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस रफली इक्वल अमाउंट ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम। यहाँ पर क्या होता है, सेम मात्रा में सनलाइट सनरेज पड़ने का यहाँ पर इक्वल डे भी इक्वल होता है और यहाँ पर नाइट भी इक्वल होता है ना। आखिर होता कैसे, चलिए बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इक्कीस 21 मार्च को क्या होता है, सन इक्वेटर को पास करता है ना, इक्वेटर को पास करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इक्वल मात्रा में डे और नाइट होता है। नाइट होता है, उसको पास करके कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। ऊपर जब ट्रॉपिक को कैंसर पहुँचता है, वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर समर सोलस्टिक होता है ना। समर सोलस्टिक कब होता है, 21 जून को। फिर वहाँ से फिर वापस आता है, वापस आता है, तब तो वापस आने में जब इक्वेटर क्रॉस करता है, इक्वेटर क्रॉस कब करता है, साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए 23 सितंबर को क्रॉस करता है ना। अब यहाँ भी क्या होता है, डे नाइट इक्वल होता है ना। और कहाँ तक आता है, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न तक आता है, जो कि कब आता है, 22 दिसंबर को आता है ना। इसी 22 दिसंबर को जब जब इस तरफ आता है, साउथ हेमिस्फीयर में आता है ट्रॉपिक को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कॉर्न पे, तो यहाँ पर होता है विंटर विंटर सोलस्टिक को यहाँ पर होता है ना। देखिए, इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर नोन एज द इक्विनॉक्स व्हेन द डेज एंड नाइट आर इक्वल लेंथ। ड्यूरिंग द दिस इक्विनॉक्स द रे ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे सही एकदम इक्वल मात्रा में सनलाइट पड़ते हैं। देखिए देखिए, जब जब इक्वेटर पे 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को जब इक्विनॉक्स का सिचुएशन बनता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम होता है। ठीक उसी तरह जब 23 सितंबर को जब इक्विनॉक्स बनता है, उस समय क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऑटम होता है और साउथ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, जस्ट अपोजिट है ना। देखिए 21 मार्च को क्या होता है, नॉर्थ में स्प्रिंग होता है, ठीक उसी तरह नॉर्थ में 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक उसी तरह 23 सितंबर को क्या होता है, और नॉर्थ में ऑटम होता है। चलिए आगे चलते हैं। 21 मार्च को क्या होता है, इक्वेटर को क्रॉस कर सन का जी क्या करता है, उस तरफ ऐसे जाता है, आगे तक जाता, आगे तक जाता है, कहाँ जाता है, ट्रोपियो कैंसर तक। ये क्या है, ट्रोपियो कैंसर है। 21 जून को आता है, जब यहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट जब फॉल करता है, तो क्या होता है, यहाँ पर डे सॉरी इस तरफ आते हैं। ट्रॉपिक कौन से, जब 21 जून को यहाँ पर आता है, तो क्या होता है, डे लॉन्गर होता है और नाइट शॉर्टर होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर ऐसे वापस आना शुरू होता है। जो वापस आता है, तो फिर वापस इक्वेटर पर, यहाँ से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में गया 21 मार्च को, और फिर 21 जून को वहाँ से कैंसर से वापस होकर इक्वेटर के पास कब आएगा, 23 सितंबर को आता है ना।
तो 23 सितंबर, 23 सितंबर को आता है जानते हैं हम, 17 ईस्वी में क्या होता है, नॉर्थ में ऑटम होता है और साउथ में स्प्रिंग होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आते हुए क्या आता है, 23-22 दिसंबर को यहाँ टोपियो कैप्रिकॉर्न पर आता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, डे लॉन्ग होता है, नाइट शॉर्ट होता है ना। इसको बुलाता है विंटर सोलस्टिक, और 21 जून को बुलाता है समर सोलस्टिक। ये समझ गए, आई होप सभी को इक्विनॉक्स और समर सोलस्टिक और विंटर सोलस्टिक समझ आ गया होगा। इक्विनॉक्स टू टाइम होता है, एक फर्स्ट 21 क्रॉस होकर नॉर्थ में जाता है, और फिर एक सेकेंड होता है 23 सितंबर को, जब इक्वेटर क्रॉस होकर सन सनरेज किस तरफ आता है, उसका लोकेशन किस तरफ शिफ्ट है, साउथ हेमिस्फीयर की तरफ। सोलस्टिक अब दो बताए हैं, फर्स्ट समर सोलस्टिक, दूसरा विंटर सोलस्टिक। समर सोलस्टिक का होता है 21 जून को, और विंटर सोलस्टिक का होता है 22 दिसंबर को। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, अब बुक की तरफ आइए। बोलता है सोलस्टिक स्पेक्टिवली वन दोज सोलस्टिक द रे ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द ऑन टू ट्रॉपिक्स ड्यूरिंग द जून। सोलस्टिक द सन रेज शाइन डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिको कैंसर, से बताया भी इसमें क्या होता है, तो ट्रॉपिको कैंसर पर सन डायरेक्टली पड़ता है तो समर सोलस्टिक पड़ता होता है। ड्यूरिंग दिसंबर सोलस्टिक द सन रेज शाइन ऑन द ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज सेम ड्यूरिंग द टू सोलस्टिक। दोनों में क्या होता है, डे एंड नाइट दोनों इक्वल में नहीं होता है। चलिए अब हम पढ़ने वाले इक्लिप्स है ना। बोल रहा है इक्लिप्स में, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कॉज इक्लिप्स। देखिए, दिस हैपन व्हेन द मून एंड सन एंड द अर्थ फॉल इन द सेम लाइन। देखिए जब क्या होता है, जब मून सन और जब एक ही लाइन में जब जब उसका पोजिशन बनता है आता है। यहाँ देखिए, सन है ना, यहाँ पे मून है, अर्थ है ना। क्या होता है, व्हेन आप पढ़ते हैं 16-21 में पढ़ते हैं, दोनों का दोनों एक एक पोजीशन में है। आप पढ़ते हैं, व्हेन द मून पासिस बिटवीन द सन एंड अर्थ, व्हेन मून मून पासिस, मून का लोकेशन सभी जगह होगा, और कभी कभी क्या होता है, यहाँ बीच में इसका पोजीशन बनता है, जब बीच से पास कर रहा होता है, पासेज फॉलिंग पासेज थ्रू पासेज बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ इट्स द रे ऑफ द सन पार्शली ऑफ द टोटली फ्रॉम द फॉलिंग ऑन द अर्थ। क्या करता है, जितना देर इस शेडो पर आता है वहाँ पर उस सामने वाले अर्थ वाले पार्ट में क्या होता है, वहाँ पर सन रे नहीं पहुँच पाता है ना। सनरेज जब जब मून शेडो बनाता है अर्थ पर, इस जो इसका जो सिचुएशन है इसको क्या बोलते हैं, सोलर सेलेस्टिक सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। इट कैन अकर वन ड्यूरिंग द न्यू मून डे, द अर्थ इज देन द अर्थ इन द शेडो ऑफ द मून इज नोन एज द सोलर इक्लिप्स। जब अर्थ पर शेडो बनता है मून का, उसको बोला जाता है सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। इट इज द डेंजरस टू लुक एट द सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली व्हेन इफ हैव सन ग्लासेस ऑन। क्या होता है, इसको देखना बहुत ही घातक होता है, इसको बुलाता है बिना किसी नग्न आंखों से इसे नहीं देखना चाहिए। इसका जो रेडिएशन है सन के लाइट से का रेडिएशन मून के होते हुए तो आता है अर्थ पे, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, बहुत हार्मफुल। इसे देखना के लिए साइंटिस्ट लोग या बड़े हमारे जो खगोलविद है हमें मना कर रहे देखने के लिए। मून बीच में होता है ना, मून क्या होता है, बीच में होता है। लूनर इक्लिप्स, व्हेन द अर्थ पासिस बिटवीन द सन एंड मून, इट कास्ट द शेडो ऑन द मून पार्शली द टोटली, दिस इज द नोन एज द लूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द मून। लूनर इक्लिप्स अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन सोलर इक्लिप्स, ए लूनर इक्लिप्स कैन लास्ट अप टू एन आवर एंड हाफ। ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स द मून में टर्न रेडिश मीन्स इस कलर का दिखा लगता है। इन इट इज नॉट डेंजरस एट ऑल टू लुक एट द लूनर इक्लिप्स बिकॉज द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट, बिकॉज मून क्या करता है, इसके पास अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। चलिए अब तो सोलर इक्लिप्स में क्या आता है, मून बीच में आता है और शैडो किस में आता है, अर्थ बनाता है। अब देखिए, अब क्या मून है,
सन है, अर्थ है। अब क्या करेगा, मून तो बहुत छोटा था, उसे बस कुछ भागों पर क्या किया, शैडो बना पाया, लेकिन अर्थ इस मून से क्या बहुत बहुत बड़ा है। क्या करेगा, ये सनलाइट जो जा रहा है यहाँ से जा रहा है, इसको लगभग पूरा जो है ना पूरा इसको कवर कर रहा है, इसको पूरा इसको शैडो बना दिया। तो जब 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 अर्थ पे मून शैडो बनाता है, जब अर्थ पे शैडो बनता है तो सोलर इक्लिप्स, जब मून पे शैडो बनता है तो लूनर इक्लिप्स है ना। और उसका एक तरीका है, बीच में मून होगा तो सोलर, बीच में अर्थ होगा तो लूनर इक्लिप्स है ना, क्योंकि सन क्या है कॉन्स्टेंट है, अपने फिक्स जगह पर रोटेट कर रहा है, लेकिन मून क्या है अर्थ के अपने जगह पर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अर्थ मून इस बीच में आता है, कभी इस साइड, कभी 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 मून बीच में आता है, कभी अर्थ बीच में आता है। जब अर्थ जब मून बीच में आ गया तो सोलर इक्लिप्स, जब मून जब अर्थ बीच में आ गया तो लूनर इक्लिप्स। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।